हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष। तो मैं ना आपके साथ में एक स्विंग ट्रेड स्टॉक एनालिस्ट करने वाला हूं, आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आपकी मर्जी, आप चाहे उसे बाय कर सकते हो, आप चाहे इसे वॉच कर सकते हो। ओके, अगर बाय करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना और उसके बाद में बाय करना। ओके, चलो हम ना देखते हैं कि हम एक मुझे एक ना स्विंग ट्रेड मिला, मतलब स्विंग ट्रेड चेक करते हैं। ओके, चलो स्विंग ट्रेड एनालिसिस चेक करते हैं ना। ओएनजीसी ना ओएनजीसी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है हमको कुछ दिन में, हम चेक कर लेते हैं। ओके, चलो ठीक है। मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगा लिया ओएनजीसी, एकदम सिंपल एनालिसिस है। आपको देखो ये एक ऐसा पैटर्न मिल गया। ओके, सिंपल एक पैटर्न, एक कौन सा पैटर्न है? कप विथ हैंडल, सिंपल कप विथ हैंडल है। अब ना हमको ओएनजीसी अगर इसने ये ब्रेक कर दिया ना ये लेवल, ओके कौन सी लेवल, 119 रुपए की, 119 के बाद में ना हमको ONGC के अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आप इसको बाय कर सकते हो, एक महीने या डेढ़ महीने के अंदर ना आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। आप चाहे जॉब करते हो, आप चाहे कुछ काम करते हो, आपका इसमें टाइम नहीं है मार्केट देखने के लिए, तो आप ना स्विंग ट्रेड कर सकते हो। इससे ना आपका मतलब एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। ओके, आप इसको बाय कर लो, हमारा जो टारगेट रहेगा, हमको ना अच्छा टारगेट है एक ONGC के अंदर, आप ना ये टारगेट ले सकते हो। इसका टारगेट है देखो आप 155 का, 155 की मूवमेंट ना हमको ONGC के अंदर देखने को मिल सकती है। अब आप ना इसको दो तरीके से बाय कर सकते हो, आपकी मर्जी। एक अगर ये ब्रेक हो गया यहाँ पे तो यहीं इसको बाय कर लो, सिंपल। ओके, सेकेंड, ये ब्रेक होने के बाद ना रिटेस्ट का वेट करो और फिर ना यहाँ घुस जाओ, यहाँ इसको बाय कर लो, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे आप वो करो। ओके, चलो ये हो गया फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक है ना एक बंधन बैंक, बंधन बैंक में भी ना एक ब्रेकआउट मिली है, अच्छी ब्रेकआउट है। ओके, अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन ना ब्रेक हो गई, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, अभी रिटेस्ट करने को आया है, सिंपल हम बोल सकते हैं कि रिटेस्ट करने को आया। आपने इसको यहाँ बाय कर लो, मतलब आप इसको ना यहाँ पे बाय कर सकते हो और एक अच्छी मूवमेंट ना हमने को देखने को मिल सकती है बंधन बैंक में। ऑलमोस्ट अगर हम टारगेट अगर यहाँ से कैलकुलेट करें ना तो हमको टारगेट मिल सकता है 19% ना। फर्स्ट टारगेट ना ये ले लो 9% का, आप ना यहाँ पे एग्जिट हो जाओ ना, आपकी लेवल दे देता हूँ मैं आपको 338 की ना, आपका फर्स्ट टारगेट है। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना ना तो आप ना यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो, स्टॉप लॉस भी मार्क कर लो इसका, एक मिनट है। आपका स्टॉप लॉस ना कुछ 288 पे बनेगा और जो फर्स्ट टारगेट होगा ना 338 का होगा। तो आप ना इसको एज अ स्विंग ट्रेड बाय कर लो, एक डेढ़ महीने के अंदर ना आपको टारगेट मिल जाएगा। अच्छा, चलो सेकंड देखेंगे बजाज फिनांस। मेरे को बजाज फिनांस भी ना अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है बताता हूँ मैं आपको, कौन सी लेवल के बाद में अच्छा लग रहा है भी बताता हूँ मैं आपको। बजाज फिनांस ने को एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, आप जिसको पता है उनको पता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बजाज फिनांस ने ऐसा पैटर्न बनाएगा। अगर सपोज नहीं भी बनाता है ना, अगर सपोज नहीं भी बनाता है तो मैं बोलता हूँ कि ये जो हाई है ना बजाज फिनांस का, ओके बजाज फिनांस का ये जो हाई है ना, अगर ये हाई ब्रेक हो गया, ये लेवल ब्रेक हो गई 5825 की, तो आपने इसको बाय कर सकते हो। ओके, बजाज फिनांस अच्छा स्टॉक है, अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, एज अ स्विंग ट्रेड बोल रहा हूँ। ये बाय कर लिया ना तो मैं बोलता हूँ एक रिटेस्ट का वेट करना, एक रिटेस्ट का वेट करना। अगर रिटेस्ट में पास हो गया ना तो इसको यहाँ कहीं बाय कर लेना। ओके, इसको यहाँ कहीं बाय कर लेना और टारगेट ना आप अराउंड 9-8% मतलब 8-9% तक ना इसके अंदर टारगेट ले सकते हो बिंदास। आप इसको होल्ड करो, आपको ना टारगेट मिल जाएगा। ओके, और ना हम निफ्टी पे चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली निफ्टी चल कैसा रहा है। आप सबको पता है निफ्टी ऑल टाइम हाई है। ओके, आपके माइंड में क्वेश्चन भी है क्या मैं बाय करूं, क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूं, क्या अभी इतना ऑल टाइम हाई हो गया। जब निफ्टी डाउन आया था, ओके जब निफ्टी यहां आया था, ओके यहाँ नहीं, ओके यहाँ पकड़ लो या इसको यहाँ पकड़ लो, जो भी पकड़ो, आपने तब इन्वेस्टमेंट की थी क्या? नहीं। तब क्या सोच रहे थे कि क्या निफ्टी और नीचे आएगा, यहाँ तक क्या निफ्टी और नीचे आएगा? अभी किसी ने बोल दिया कि अभी तक निफ्टी तो और जाएगा, निफ्टी 13,000 टच करेगा, निफ्टी 12,000 टच करेगा, तब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की। अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई है, अभी भी आप रुके हो, तो आप करना क्या चाहते हो? आपका ना पहले मार्केट को देखो कि मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट की साइकोलॉजी समझो, मार्केट की ट्रेंड समझो कि मार्केट क्या बोलता है ना, वैसे ट्रेड करो, वैसे इन्वेस्टमेंट करो। आप अभी भी ना, मैं एक एडवाइस नहीं दे रहा, ओके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, उसकी सलाह लेना, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप ना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो।
आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। अगर आपका कैपिटल अभी 10,000 है ओके, तो इसको तीन हिस्से में बांट लो और ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। आप ना इसको यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्यों? स्टॉक मार्केट है, आज या कल ना ये ऊपर ही जाएगा, सिंपल, आज या कल ये ऊपर ही जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके ना आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, एकदम क्लियर हूं मैं इसके लिए। आप बाकी ये चेक कर लो, यहां से ना एक निफ्टी अप ट्रेंड है ओके, मैं एक निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पे। अगर इसने ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया ना, अगर सपोर्ट लेके अगर ये पुल बैक लेता है वापिस, तो निफ्टी को यहाँ पे ना मैं एज अ स्विंग ट्रेड बाय करने वाला हूँ, सिंपल, जब तक कि मैं वेट करूंगा इसके अंदर। पेशेंस चाहिए आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं आज तक वेट करूंगा। जैसे इसने पुल बैक लिया, पुल बैक में पास हो गया, तो निफ्टी के अंदर ना एक और अपसाइड की मूवमेंट देख सकते हैं, क्या पता हमको एक न्यू हायर हाई मिल जाए। ओके, सिंपल, चलो ठीक है, थैंक यू। आप स्विंग ट्रेड चेक करो, आप स्टॉक चेक करो, एनालिस करो, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी बिल्कुल। ओके, हम ONGC के स्टॉप लॉस भी चेक कर लेते हैं, ONGC का। अगर आपको ONGC बाय भी करते हो ना, ONGC मेरे को ना एकदम बढ़िया लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि इस बार ही तोड़ देगा यहाँ पे, इस बार ना ये तोड़ देगा, सिंपल। मैं बोलता हूँ कि ONGC का स्टॉप लॉस लगा लो कहीं यहाँ, एक तो यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, सिंपल। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, अगर आप इसके यहाँ से ब्रेक करो ना, ओके, कंपेयर करें हम टारगेट से, तो स्टॉप लॉस छोटा है। अगर आपको ये स्टॉप लॉस बड़ा लगता है ना, तो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस हमारा वो जो कि यहाँ पे बनता है, ओके, लॉजिकल जो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ बनेगा, 4% का आपको स्टॉप लॉस लेना है ONGC में एज अ स्विंग ट्रेड। और आप इसको टारगेट के लिए देख सकते हो, एक मिनट हम टारगेट चेक करेंगे, ऑलमोस्ट 30% का ना आपका टारगेट है। मैं तो इसको 30% तक की होल्ड करने वाला हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। और सेकंड ना आपके साथ में ये शेयर करना है, वोल्टास, बढ़िया शेयर है, सब कुछ, स्टॉक बढ़िया है, वैल्यू अच्छे, सब कुछ बढ़िया है। अब देखो इसके अंदर ना ऑलरेडी आपके सामने पैटर्न बना है, ओके, अब देखो आपके लिए ना सेकेंड अपॉर्चुनिटी है। पहले ये पैटर्न ये हो गया, ब्रेकआउट हो गया, इसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, ओके, सिंपल। अब ये रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट में ना यहाँ पास हो गया, अभी आपके पास में एकदम परफेक्ट टाइम है, आप वोल्टास को बाय कर सकते हो। टारगेट आपके पास में ना ये है, आप ना 8% की इसके अंदर मूवमेंट देख सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना है तो आप मतलब स्टॉप लॉस इसका यहाँ होगा, सिंपल, ओके, यहाँ इसका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपके सामने है, ओके, चलो थैंक यू। और ना वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और उन दोस्तों के साथ में शेयर करो जो कि स्विंग ट्रेड करते हैं। मैं ऐसे आपके लिए ना स्विंग ट्रेड लाता रहूंगा, हर 2 दिन या 3 दिन में जैसे मेरे को स्टॉक मिलते हैं, मैं आपके साथ में ना उसकी एनालिसिस शेयर करूंगा। ओके, चलो बाय।